Hello children, good morning. Children, which elements make the world? ये दुनिया किन तत्वों से बनी है? जो मेन हमारे जो तत्व हैं जिनसे इस दुनिया का निर्माण हुआ है वो है वाटर और लैंड. सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ पोएम लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की नन्ही नन्ही बूंदे. तो इससे क्या क्या बनता है ये हम इस पोएम में देखेंगे. सो फर्स्ट वी विल रिसाइट द पोएम. लेट्स स्टार्ट. लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड. लिटिल डेड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लॉ मेक अवर अर्थ एंड ईडन लाइक द हेवन अबव. लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंड द पोएम. लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ड्रॉप्स का मीनिंग होता है बूंदे, पानी की छोटी छोटी बूंदे. लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, ग्रेन्स यानी होता है बच्चों अनाज दाने या कण. तो सैंड यानी होता है रेत, रेत के छोटे छोटे कण. मेक द माइटी ओशन, माइटी मीन्स होता है शक्तिशाली और ओशन मीन्स होता है महासागर. तो पानी की छोटी छोटी बूंदे और रेत के छोटे छोटे कण मिलकर एक विशाल महासागर का निर्माण करते हैं. एंड द प्लेजेंट लैंड, और इस सुखद खुशहाल, प्लेजेंट यानी होता है सुखद और लैंड मीन्स होता है जमीन, ये दोनों मिलकर इस खुशहाल धरती का निर्माण करते हैं. लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, डीड मीन्स कर्म या कर्मों, काइंडनेस मीन्स होता है दया. जिस प्रकार पानी की बूंदे मिलकर एक विशाल महासागर का निर्माण करती है ना बच्चों, ठीक उसी प्रकार दया के छोटे छोटे जो कर्म होते हैं वो मिलकर लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, और लव मीन्स होता है प्रेम, वर्ड्स मीन्स होता है शब्द, प्रेम के छोटे छोटे बोल जो हम मनुष्य एक दूसरे के साथ करते हैं, ये दोनों मिलकर मेक अवर अर्थ एंड ईडन, ये दोनों मिलकर हमारी अर्थ मीन्स पृथ्वी, हमारी पृथ्वी को एक ईडन की तरह बना सकते हैं. बच्चों ईडन का मीनिंग है द गार्डन वेयर द फर्स्ट ह्यूमंस एडम एंड ईव लिव इन परफेक्ट हैप्पीनेस. ये स्वर्ग का एक बगीचा है जहां पर प्रथम जो मनुष्य पैदा हुए थे एडम एंड ईव, वो यहाँ पर खुशी पूर्वक रहते थे. हमारे दयालुता के कार्य और प्रेम के बोल मिलकर हमारी पृथ्वी को ईडन यानी कि स्वर्ग के बगीचे की तरह बना सकते हैं. लाइक द हेवन अबव, और साथ ही जो ऊपर स्वर्ग है, हेवन यानी होता है स्वर्ग, उसकी तरह हमारी पृथ्वी का निर्माण कर सकते हैं. तो बच्चों आपको पोयम समझ आ गई होगी. लेट्स कंटिन्यू विद एक्सरसाइजेस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज द माइटी ओशंस मेड ऑफ, विशाल महासागर जो है वो किससे बना है? द माइटी ओशन इज मेड ऑफ लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर. तो विशाल महासागर पानी की छोटी छोटी ड्रॉप्स से मिलकर बना है. क्वेश्चन टू, व्हाट इज द प्लेजेंट लैंड मेड ऑफ, प्लेजेंट लैंड जो है वो किससे बना है? द प्लेजेंट लैंड इज मेड ऑफ द लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है. क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट कैन मेक अवर अर्थ एंड ईडन, हमारी पृथ्वी को कौन से तत्व मिलकर एक ईडन बना सकते हैं? तो हमने पढ़ा है लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लॉ कैन मेक अवर अर्थ एंड ईडन, प्रेम के छोटे छोटे बोल और दयालुता के छोटे छोटे कार्य मिलकर हमारी पृथ्वी को एक ईडन की तरह बना सकते हैं. व्हाट हैज बीन कंपेयर्ड विद द अर्थ, पृथ्वी से किसकी तुलना की गई है? डेफिनेटली ईडन, ईडन हैज बीन कंपेयर्ड विद द अर्थ, स्वर्ग के बगीचे ईडन से पृथ्वी की तुलना की गई. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन ऑफ होमवर्क. राइट फाइव लाइंस अबाउट अर्थ एंड ओशन. इन दिस पोयम आपने क्या पढ़ा? ओशन के बारे में पढ़ा, अर्थ के बारे में पढ़ा. तो आप इनके बारे में कुछ लाइंस यहाँ पर लिख सकते हैं और अपने घर में बड़ों को दिखा सकते हैं. सो होप सी यू सून, गुड बाय.